ठीक है देखो, अब आर्किमिडीज को मिला ये चैलेंज, तो उसने क्या किया था, ऐसे ही बर्तन ले लिया पूरा, नीचे एक और बर्तन लगा दिया, इसके बाद वो ईंट ली थी उसने सोने की, और ऐसे करके उसने डिप किया इसके ऊपर, और जैसे ही डिप किया, ठीक है, डिप करने के बाद कुछ पानी बाहर आया, सभी को दिख रहा होगा, ठीक है, जितना पानी बाहर आया उसने क्या किया, उस पानी को इकट्ठा कर लिया, कहाँ इकट्ठा किया, एक ऐसी एक बर्तन कर लिया, मैं कर लेता हूँ पहले, इसमें इकट्ठा कर लेता हूँ, गिरेगा जी, इस बर्तन में इकट्ठा कर लिया, और इसमें इकट्ठा करने के बाद जब इसका भार निकाला, तो इस पानी का भार और इसका भार बराबर था, ठीक है, लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं है, होगा, ठीक है, पक्का होगा। अब जैसे मैं समझाता हूँ, इसी के थ्रू एक और एग्जांपल लेता हूँ, फिर समझाता हूँ। जैसे देखो, ये लिया मैंने, वापस ला लेता हूँ उसको, देखना फोकस है ना पूरा नीचे तक, ठीक है, देखो अब ये कितने ml है, दिख रहा है, 40 और पूरा प्रॉपर 50 का है ना, मैं इसको डुबो रहा हूँ, डुबोने के बाद 50 ml है, ध्यान से देखना, पूरा मैंने डिप कर दिया, ये हो गया, ठीक है, इसके बाद ये जो जल इकट्ठा हुआ, इसकी वैल्यू भी पता कितनी होगी, 50 ml ही होगी, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल गलत नहीं होगा, इसकी वैल्यू भी 50 ही होगी, देखो अगर 50 है तो मैं फिलअप करता हूँ, देखो सही है, प्रॉपर 50 है ना, तो ये है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल गलत नहीं था, गिरा सेम है, देखो एक बूंद भी नहीं है, और ना गिरा है उसमें, एकदम पूरा भर गया, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही था कि अगर किसी भी चीज को आप डुबोते हो ना, तो जितना उसका भार होता है या जितना उसका वॉल्यूम होता है, उतना ही पानी बाहर आता है। अब इसका वॉल्यूम कितना था, 50 ml, इसको हमने डिप किया तो पानी कितना ही आया बाहर, 50 ml, मेजर करके देख लिया हमने, है ना, समझ आया आपको, ये है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही होता है, आप अपने हाथ का भी वॉल्यूम निकाल सकते हो ऐसे करके, ठीक है, हाथ कब निकलता है, हाथ कब निकाल सकते हैं, किसी और पत्थर का भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं, चलो इसका निकालते हैं, इसका वॉल्यूम कितना है, इस पे वॉल्यूम लिखा नहीं है ना, ठीक है, चेक करेंगे इस मेथड से, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं किसी का, थोड़ा और भर देता हूं, चलो अब डिप करते हैं, ये हो गया, ठीक है, अब इसका वॉल्यूम चेक करेंगे कि इसका वॉल्यूम कितना है, ये रहा वॉल्यूम मेजर करने के लिए, दिख रहा होगा सभी को, ठीक है, चेक करेंगे, इसमें तो लिखा ही नहीं कितना वॉल्यूम है इसका, है ना, अब देखो इकट्ठा करा, देख के बताना कितना वॉल्यूम है, लगभग 150 है ना, ये है, चेक करते हैं, 150 नहीं होगा, पहले 100 तक खाली कर देता हूँ मैं, चांसेस है कि कम हो 150 से, ये तो हो गया 100, ये हो गया ना 100, और ये कितना दिख रहा है, 40
व्हाट इज थोड़ा कम, तो 138 है ना, तो इसका वॉल्यूम कितना है 138 या 139 या अप्रोक्स 140 ml, ठीक है। अब इसमें मेजरमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक पता कहाँ आएगी, क्योंकि जैसे मैंने हाथ डिप किया था ना, तो हाथ डिप करने से ये मेरा यहाँ तक जो है उंगलियाँ भी आ गई थी ना, तो ये थोड़ा सा वॉल्यूम मेरे उंगलियों का भी है इसके अंदर, समझाया ना आपको। तो थोड़ा सा एरर आता है हर चीज़ में, साइंस में अगर ऐसे करोगे तो एक्यूरेट नहीं मिलेगा, लेकिन तब भी एक्यूरेट हो जाता है, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल गलत नहीं बोलता कभी, समझाया ना आपको। अब हाथ का भी हम किसी के हाथ का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वो हाथ डिप करेगा जितना पानी बाहर आएगा, चेक करते हैं, ठीक है। इसको पूरा भर के लाओ, एक बच्चा आ जाओ, खाया पिया बच्चा नहीं, पीछे देखो सर हो रहा, जिसका हाथ थोड़ा सा पतला हो ना, उसका डिप करेंगे वॉल्यूम निकालेंगे, उसका हाथ का वॉल्यूम कितना है, तू आ जा, ना ना ठीक है, ये पूरा भर के लाना था ऊपर तक, छोक रहा दे, अरे ये रहा, तू आएगी पतला सा, ठीक है आ जाएगा, तू आ कोई नहीं, आ जाओ जल्दी, सर और थोड़ा सा, सर क्यों और आ आ जाओ, कौन आएगा, जाओ नहीं जाना, कौन आएगी, आ जा, मोटे हाथ नीचे लगेगा सर, दुकान से खड़ा हो जाओ, आ जाओ जल्दी, छोटे से हाथों, क्योंकि अब ज़्यादा वॉल्यूम नहीं निकलेगा ना, मैं देखो मैं थोड़ा सा ये नीचे इसलिए लगा रहा हूँ पानी इधर ना, क्या हमारे पास प्लेट छूटी है ना, चल डाल डिप कर आराम आराम, धीरे धीरे हल्का सा, कोई नहीं हल्का सा तो गिरेगा, बीचो बीच बीचो बीच हल्का, धीरे धीरे और कलाई तक, कलाई तक हो गया पूरा, चलो इतना है, ठीक है, हल्का सा गिरा है, 2-3 ml का एरर चलेगा, मैं इसको उठा देता हूँ, ये रहा ml निकालेंगे, कितना ml है, ठीक है, कितना अप्रोक्स 200 ml, ठीक है, अप्रोक्स इसके हाथ का जो वॉल्यूम है वो 200 ml है, ठीक है, 200 ml हाथ का वॉल्यूम, ठीक है, चलो अब एक और बच्चा फाइनली आ जाओ, उसका देखेंगे लास्ट फाइनल, सर ये छोटा है, इसका हाथ बड़ा है, चलो डिप कर धीरे 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 आराम आराम हो गया बस, ठीक है अब देखते हैं, देखते हैं बाकी जो बाहर निकला था वो भी इकट्ठा किया हमने, और ये भी अप्रोक्स ही आएगा, ठीक है, कितना एम एल 310, ठीक है 310 के आसपास, हाँ
थोड़ा सा ज्यादा नहीं फर्क आता, जो गिरा है वो 10-15 एमएल का फर्क आता है, तो अप्रोक्स 300 एमएल का हार, ठीक है। तो सनी देओल का वो 250 किलो वाला नहीं अब चल रहा है, एमएल वाला चल रहा है, 2.5 किलो का नहीं, अब एमएल में बात करो, ठीक है, क्योंकि डिपेंड करता है वेट नहीं, एमएल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, समझ आया ना आपको। ये है, यही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, सबको समझ आया। तो जो नाव तैरती ना, नाव भी ऐसे तैरती है समुद्र में, लेकिन डिपेंड करता है कि सुई क्यों नहीं तैर रही या थर्मोकोल क्यों तैर रहा है, क्योंकि अगर कोई चीज डूब रही है तो फर्क है उसका डेंसिटी के ऊपर। पत्थर क्यों डूब गया पानी में, क्योंकि पत्थर जो है पानी से ज्यादा डेंस है, डेंसिटी ज्यादा है, समझ आया ना। लेकिन अब पानी जब है ना, पानी, पानी के अंदर कोई भी चीज अगर हम डिप करते हैं ना उसका वेट कम हो जाता है, ठीक है, उसका वेट कम होता है, कुछ भी कर लो, इसको डिप करेंगे इसका वेट कम होगा ना, जो रियल वेट है इसका और ये वेट है कम होता है, क्योंकि पानी क्या करता है, पानी एक फोर्स लगाता है जिसको बायोंसी फोर्स बोलते हैं, बायोंसी फोर्स, ठीक है, बायोंसी फोर्स, समझ आया, बायोंसी फोर्स होता है, वो फोर्स अपवर्ड की ओर लगता है, इसका मतलब क्या है कि ये फोर्स कहाँ लग रहा है, अपवर्ड, तो ये इसको अपवर्ड दे रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो इससे क्या होगा, इसका वेट कम हो जाता है, ठीक है, इसलिए पानी में आप तैरोगे तो आपको अपना वेट कम पता चलेगा। और ऐसे ही हाथ या अपने हाथ को बाल्टी में डाल देखो, आपको ऐसा लगेगा कि आपका हाथ हल्का हो गया है ना, यही कारण है। इसी प्रकार से हर चीज़ तैरती है, समझ आया सबको, ये है, बंद करना।